बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मौजूद हैं और हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो हैं रेडियो पाकिस्तान के सीनियर प्रोड्यूसर नवीद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नवीद साहब, सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कि रेडियो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, रेडियो पाकिस्तान की खिदमत जो है, अगर आपको याद हो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं 13 और 14 अगस्त की जो दरमियानी रात, उस रात जो एक आवाज गूंजी थी मुस्तफा अली हमदानी की कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ये 13 और 14 अगस्त की जो दरमियानी शब को जो आवाज गूंजी थी, उस वक्त से लेकर आज तक आप क्या समझते हैं रेडियो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो सलमान, मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए भी और आपके लिए भी कुछ चीजें, कुछ थोड़ी सी और इससे भी ज्यादा जो है वो यूनिक हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा। ये आवाज जो जिसका आपने नाम लिया है, ये आवाज क्योंकि हम सब के कानों में पड़ती है, तो इस पर एक मेरा थीसिस भी है बकायदा एमफिल का, तो उस हवाले से मैं बकायदा डॉक्यूमेंटेड बात करूंगा कि असल में ये 1937 में ये सिलसिला शुरू हो गया था। ठीक, जबरदस्त। और ये जो आवाज आपने सुनी है 10 साल के बाद सुनी, 1947 की रेडियो पाकिस्तान की आवाज जो है वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है, इसके भी सफर पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जिस तरह आपने कहा कि मुस्तफा अली हमदानी का जो ऐलान आजादी था, जी बिल्कुल, वो बाकायदा एक तारीखी बात है, लेकिन उससे पहले 1937 में देहाती भाइयों के लिए एक प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ था ऑल इंडिया रेडियो से। ऑल इंडिया रेडियो से कहा जाता है, जो अकाबरीन हैं हमारे नशरियात के, ब्रॉडकास्टर्स के जो बड़े हैं, वो कहते हैं कि 1937 में देहाती भाइयों के लिए प्रोग्राम जो है वो ओम प्रकाश साहब ने भी किया हुआ है। जी बिल्कुल। और ओम प्रकाश जो है वो आपको पता है कि जब ये सिलसिला बना पाकिस्तान का तो वो उधर चले गए और फिर जो बाकी लोग थे वो यहाँ पर रहे। फिर रेडियो पाकिस्तान लाहौर, जिसकी आज हम बिल्डिंग में बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं पाकिस्तान के साथ भी और पाकिस्तानियों के साथ भी, और फिर मुख्तलिफ जहतों के अंदर। फिर आपने सवाल किया कि रेडियो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। याद रखिए कि अमूमन ये कहा जाता है, और मैं बतौर प्रोड्यूसर आपको बड़ा बरमला ये बात कहता हूँ कि हमें हर दूसरा बंदा पूछता है क्या रेडियो चलता है। हाँ, ऐसे ही। ये बड़ा एक अजीबोगरीब सवाल है, मुझे तो कम से कम लगता है। देखें, आपके दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालक हैं या तरक्की पजीर ममालक हैं, उनके आज भी वज़राए आज़म और सदूर जो हैं वो रेडियो पर खिताब करते हैं, ऐसे ही, और बाकायदा आवाम से बात करते हैं। और अगर आपने, मैं आपको बताऊं कि जितना आपका सोशल मीडिया है, आपका मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जहां पर रेडियो पहुंचते हैं। मेरी मिसाल, मेरी मुराद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। बिल्कुल ऐसे ही। गिलगित बल्तिस्तान के जो फॉर फ्लैंच एरियाज हैं, साहिली पट्टी आपकी जितनी है वो सारी रेडियो पाकिस्तान है। और आपको सुन के ये बात जो है वो आपके इल्म में इजाफा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान के 63 स्टेशन जो है वो फंक्शन में है, और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के SPTs हैं वो इसके अलावा है। और दूर दराज इलाकों में भी आज भी, जैसे हमारा चित्राल है, स्कर्दू है, योग है, ये वो इलाके हैं जो शायद लोगों ने कभी सुने भी ना हो, खासतौर पर जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए तो ये बड़ा एक इंफॉर्मेटिव मैं समझता हूँ ये बात है। तो रेडियो पाकिस्तान अपनी जगह पर, और देखें कि रेडियो पाकिस्तान का जो माइक है वो सुबह 5:44 से लेकर रात 12 बजे तक पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। सर, एक वक्त था 50s का दौर, 60s का दौर, 65 की जंग आजादी हमें याद है कि हर कान के साथ एक रेडियो लगा हुआ करता था, लोग चौपालों में, देरों में, हुजरों में बैठकर BBC सुना करते थे, बात किया करते थे रेडियो पाकिस्तान की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तरक्की होती गई, टेलीविजन आया, उसके बाद नेट आया, और इसके बाद जो इतनी ज्यादा जो है यूं कहने के जो तकनीकी आलात हैं या जो चीजें हैं, क्या आप समझते हैं कि रेडियो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो इन सारी चीजों को कम्पीट कर रही है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि जदीद दौर की मांग है, जदीद दौर के ये सवाल है, और हर दूसरा बंदे को ये सवाल उसके जहन में उभरता है। तो आप सब लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए मैं बताता चलूं कि रेडियो पाकिस्तान फुली इक्विप्ड है। फुली इक्विप्ड, हाँ जी। ये माइक जो आपको दिखा रहे हैं, ये तो हमने इसीलिए रखा था कि लोग देखें कि जी ये नॉस्टैल्जिक है, ठीक है, और ये वही माइक है जिस पर मुस्तफा अली हमदानी साहब ने ऐलान किया था। ये तो तारीखी माइक जी। और इसी तरह आप देखें कि जो चैनल्स आ गए हैं, इस तरह चैनल्स के अंदर फिर HD आ गया, ये इसी तरह हमारे पास भी है। हम पहले स्कूल पे रिकॉर्डिंग करते थे, फिर हम स्कूल से टेप्स पे आए, टेप्स पे फिर हम लोग जो है वो
आगे कैसेट्स थे, कैसेट्स से निकल के हम सीडीज पे चले गए, सीडीज से निकल के यूएसबी पे चले गए, और यूएसबी से चले गए अब हम जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं कि वी आर इन द लाइन, वी आर नॉट बैक। जी, आपको ये सुन के भी बड़ी खुशी होगी और आपके लिए शायद हैरत का भी सामान हो इसमें कि जब पेमरा ने ये ऐलान किया कि हम सायद मालिक के जो गाने हैं या म्यूजिक है वो नहीं चलेगा किसी भी रेडियो पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान एक वाहिद इदारा था जिसके पास 50,000 सॉन्ग्स पाकिस्तानी जो हैं वो मौजूद थे। और उसमें कुछ चीजें जो है वो बाद में ऑब्सोल्यूट भी हो गई क्योंकि रिकॉर्डिंग के मसाइल थे, पुराने दौर की थी। तो इस वक्त मौजूदा वक्त में रेडियो पाकिस्तान लाहौर की जो आवाज खजाना लाइब्रेरी है यहाँ पर, इसमें 5,000 आइटम्स पड़े हुए हैं इस वक्त और सारे पाकिस्तानी हैं। और फिर कोई शोभा आई जिंदगी में इसमें रेडियो ने सर्विस नहीं दी हुई। फर्स्ट अक्टूबर आई थिंक 1998 एफएम का आगाज होता है इस्लामाबाद से, और एक ऐसा लगता था कि रेडियो पाकिस्तान जो है ना, और रेडियो ने एक नया रास्ता और नया रुख अख्तियार किया। क्या समझते हैं ये जो नए चैनल्स नए ब्रॉडकास्टिंग में आ रहे हैं तो इसमें ये किस हद तक जो जी है? पहले तो हम लोग ये मैं बताता चलूं कि आप आज जितना भी मीडिया देख रहे हैं जी, जितने भी हमारी नौजवान नस्ल जितने चैनल देख रही है, खवातीन अगर वो ड्रामे देख रही है, बच्चे हैं तो अगर वो स्पोर्ट्स देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, अगर कार्टून छोटे बच्चे देख रहे हैं, और अगर बड़े हैं तो अगर वो कोई इल्मी अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं मीडिया से, तो ये बात जहन में रहे कि ये सब की नर्सरी रेडियो पाकिस्तान में। जबरदस्त, एक तो ये बात है, आपके पास जितने आर्टिस्ट हैं, जितने आपके पास एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं, वो सारे के सारे रेडियो पाकिस्तान से ही पॉलिश हो गए, पॉलिश हो गए हैं। ठीक है, रेडियो पाकिस्तान का सवाल जो आपने किया कि एफएम जब शुरू हुआ तो एफएम जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल को कहते हैं हम लोग, इससे पहले मीडियम वेव होता था। जी, मीडियम वेव एमडब्ल्यू उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और मीडियम वेव जो है वो बड़ा आज भी हमारा फंक्शनल है। और जिस तरह आपने पहले सवाल किया था कि नए दौर की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए रेडियो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उसका जवाब आपके दूसरे सवाल में है कि एफएम को शुरू करना, एफएम का आगाज से हमारे पास यहाँ पर एफएम 93 है, एफएम 101 है, एफएम 94.0 है, इसका हमारे पास जो है वो फिर देखें कि आपको इतनी फ्रीक्वेंसियां किसी और के पास नहीं, इतनी रेडियो पाकिस्तान के पास है। मैं जब रेडियो पाकिस्तान का लोगो देखता हूँ, वकोल लिल्लाह से हसना, और लोगों से बात करो अच्छे तरीके से, तो मेरे ख्याल से तो रेडियो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन हमारे जो रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो एक पॉइंट उठता है कि जी यार ये पाकिस्तान का रेडियो है, ये पाकिस्तान की बात तो करेगा ही, तो क्या ये जो लोग है इस वक्त डिवाइड कर दिया, जो प्राइवेट चैनल्स ने हैं जब हम उस पर तबसरे करते हैं तो हम दोनों तरह की तरफ की आवाज सुनते हैं। कहा जाता है कि रेडियो पाकिस्तान से अपोजिशन की आवाज नहीं आती, ये बात, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा सा तरीका बताएं। पहली बात तो ये है कि रेडियो पाकिस्तान की ये खूबी है कि यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती। ठीक है, हैजानी कैफियत हम लोग पैदा नहीं करते, क्रिएट नहीं करते, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि आजकल के दौर में बिल्कुल एक मामूली सा वाक्य होगा और उसको इतना मैनिपुलेट करते हैं कि यूं महसूस होता है कि शायद हम किसी दहशत ज्यादा इलाके में रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना कुछ देख के इतना कुछ सुन के हमारी जो नौजवान नस्ल है वो नफसियाती मरीज हो चुकी है और उसके मिजाज पे भी असर है। अच्छा, इसी तरह आपने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पर अपोजिशन की आवाज नहीं आती, तो ये बात किसी हद तक गलत है। इसलिए कि हम लोग बहुत सारे हमारे जिस तरह हमारे पास रेडियो पाकिस्तान लाहौर में प्रोग्राम रहा है, उसमें हम लोग बाकायदा दोनों साइड्स के लोगों को बुलाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, फिर हम मुजाकरे भी करते हैं। सही। फिर हम इसकी वजह ये कि जिस इलाके में हम रहते हैं पंजाब में, वो माझा इलाका है, और माझा इलाके में हमेशा से रोजे अव्वल से लेके शायद क्यामत तक सबसे ज्यादा फैसिलिटीज भी यहाँ पे होंगी। तो जब फैसिलिटीज ज्यादा होती है तो फिर वो जो होता है ना कि एक ऑर्थोडॉक्स जो होता है, जो पुराना होता है, उसको जरा इतनी अहमियत नहीं देते ना। जैसे मैंने आपको पहले शुरू में कहा था कि लोग पूछते हैं कि कोई रेडियो सुनता है, ऐसे तो अब उसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि क्योंकि हम सब लोग इस मिजाज पे आ गए हैं कि शायद हिजाने की कैफियत होगी तो फिर ही चैनल चलेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मिर्च मसाला होगा, हाँ ये मिर्च मसाला नहीं है, ये सादा है। वैसे भी मिर्च मसाले से जो है ना वो मैदे के मसाले होते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज्यादा जो है ना वो बेहतर यही है कि आप एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें। ये पॉलिसी रेडियो पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान की। अब बात कर लेते हैं जरा आपसे, जरा पर्सनल बात कर लेते हैं। आजकल का जो दौर है, लोग चाहते हैं कि यार स्क्रीन पे आए, सामने आए, नजर आए, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में तो सिर्फ आवाज आती है और आवाज जो है बड़ी मुश्किल से बहुत अरसे बात पर। तो कैसे आपको ख्याल आया कि जनाब
बिहाइंड द सीन जो है जो है मुल्क की खिदमत की जाए, प्रोडक्शन इस तरफ कैसे आया? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक जरूर बताऊं कि सबसे पहले देखने से पहले ना आपको अल्लाह ताला समा देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, और अल्लाह ने कहा जिस तरह आपने कहा कूल लिंदा से सुना, तो अल्लाह फीकुम समा हो गया, उनमें सुनने वाले भी होते हैं, उनमें सुनने वाले। और आप पूरे कुरान पाक में देखेंगे, बड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव आपको बात बताता हूँ कि जहां पे भी बात आएगी पहले समी आएगा फिर बसीर आएगा, ऐसे ही, क्योंकि समी हमें कान मिलता ही पहले जी, जो कान सबसे पहले, समाज जो है वो सबसे पहले इंसान को अपने माँ के पेट में मिलती है चार माह की उम्र में। और फिर मजे की बात है कि इंसान की जिंदगी का जब मुकम्मल होता है सिलसिला तो सबसे आखिर पर भी समाज ही रहती है। जी बिल्कुल, तो इसलिए रेडियो पाकिस्तान समाज के अव्वल और आखिर दोनों को पकड़ा हुआ है, अव्वल से लेकर आखिर तक जो है ना हम समाज के साथ चलते हैं। दूसरा सवाल आपका, दूसरा हिस्सा कि आपको ख्याल कैसे आया, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत से लोग, नौजवान नस्ल जो है मेरी तरह, वो बहुत सारे काम एक्सीडेंटल करती है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके एम्बिशन कुछ और होते हैं लेकिन कुदरत उनसे कुछ और काम लेती है। ऐसे ही मैंने 2012 में खुद सीएसएस क्वालिफाई किया हुआ है, और मैं इस वक्त पीएचडी स्कॉलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मैं समझता हूँ कि मुझे इंटरव्यू वाले दिन तक नहीं पता था कि मैं रेडियो पाकिस्तान के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये था कि शायद जिस तरह बीबीसी का तो नाम सुना हुआ था, तो पीबीसी का नाम नहीं सुना, पीबीसी का नाम नहीं, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। जी बिल्कुल, और ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये पीबीसी बनी है, पहले ये रेडियो पाकिस्तान ही से हुआ था 72 में। बहरहाल अब इस तरह हुआ कि मुझे यहाँ पे जॉब करते हुए तकरीबन 6 साल हो गए, और 6 माह की हमने इस्लामाबाद पीबीए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग अकेडमी में बकायदा पेशा वराना तरबियत भी हासिल की है, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है वो लाहौर में हुई, और तकरीबन 6 साल मुकम्मल होने वाले हैं। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि जी आप इतना चक्का चौंध में पीछे रहना आपको पसंद है, तो उसका जवाब ये है कि मेरी मिसेज से किसी ने पूछा है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो प्रोड्यूसर हैं रेडियो पर, तो उन्होंने कहा अच्छा वो करते क्या हैं, तो उसका जवाब उन्होंने काफी कोशिश की कि उसको मैं बताऊं, उसके साथ जो है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की अपने कोलीग को, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मतलब वो काम क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा किया कि हैंडफ्री लगाई और रेडियो ऑन कर दिया, और रेडियो सुनाया उनको, सुना के उनका ये तो कोई जो है ना खातून बोल रही है, तो उन्होंने कहा इनके पीछे जो है ना वो मेरे हस्बैंड होते हैं, इन्हें हर खातून के पीछे हर खातून के पीछे आवाज के पीछे, प्रोड्यूसर का बेसिक काम जो है ना वो जो बेसिक आइडिया सोचने से लेके उसको एग्जीक्यूट करने तक, ये प्रोड्यूसर का सफर है। आपने कहा मैंने पीबीए में जो है हमने ट्रेनिंग वगैरह भी की, और पीबीए जो है आपने 6 साल पहले की, लेकिन फिर भी जनाब आपने जो है जब आपने डॉक्टर बनना चाहा तो आपने कहा नहीं मैं पंजाबी का डॉक्टर बनाऊंगा, पंजाबी की तरफ जो है कैसे आए आप? पंजाबी मेरी मां बोली है जी, बिल्कुल जी, गल पंजाबी कर सकते हैं असि किसी और तरह नहीं कर सकते, लेकिन मैं थोड़े तो चलो ऐसी गल थोड़े जे अगे बढ़ाते ये थोड़े को पूछना चाहवांगा कि पंजाबी ना आजकल असि बिल्कुल एक यतीम दा जड़ा है ना, बहुत अच्छा सवाल है, मैं थोड़ा सा किस तरह किया जाए, बहुत ज्यादा अपने जमान को पीछे फेंक दिया। हां मैं थोड़ा सा जरा बता दूं अपने नाज़रीन को, क्योंकि उर्दू में इसलिए बताना जरूरी है कि उम्र कहा जाता है कि आप जनाब टेक्नोलॉजी पढ़े, आप मेडिकल पढ़े, आप इंजीनियरिंग पढ़े, आप कोई पेशा बनना तालीम हासिल करें तो फिर आपको जॉब मिलती है। मैं आपको बिल्कुल वल्ला बिल्ला ये बात कह रहा हूँ, अपने नाज़रीन के सामने भी इकरार करता हूँ, मैं इस वक्त तीसरी जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, और बगैर किसी सिफारिश कर रहा हूँ, मेरिट पे हूँ। रेडियो पाकिस्तान में भी मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो ओपन मेरिट पे हुई है, मेरा पूरे पाकिस्तान में चौथे नंबर पे मैं इस वक्त मौजूद अपने बैच में। अब ये सवाल पैदा होता है कि जैसे मुझे, मैंने कहा आपने सवाल किया कि पंजाबी क्यों, तो मेरी जॉब एम ए पंजाबी पे हुई है। अच्छा ठीक, तो जब मैं रीजनल लैंग्वेज पे मादरी जुबान का ये आलम है, मैं कहता हूँ ये लजपाल है, बिल्कुल इसने लजपाल ली है, तो मैं फिर इसको क्यों छोड़ू? और फिर आपने कहा कि यतीमी वाला सिलसिला चल रहा है पंजाबी के साथ, तो बड़ी माजरत के साथ कि सबसे ज्यादा पंजाबी को, पंजाबियों नुकसान पहुंचाया ये मैं कह रहा हूँ। देखिए आपका म्यूजिक गाना में जब तक उसका तड़का ना हो, उसका म्यूजिक ना हो, तो गाना हिट नहीं होता, लेकिन बोलने में फिल्म हिट नहीं होती। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि जी जनाब हमारे जो सो कॉल्ड जो वेस्टर्न ट्राइब लोग है वो अपने बच्चों को कहते हैं आपस में तो ना पंजाबी बोल रहे, आज की लड़ाई जी बताओ ले लीजिए जी, मैं अगर आप बच्चों को नहीं, अगर आप कह सकते हैं लाइक टू स्विच इन पंजाबी या ओके यू कैन हीमन, मापे जड़े ने नवे मापे उन्होंने मैं नवी पीढ़ी जो मापे ने मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा है नवे मापे ने नवे मापे कॉम्प्लेक्स है कि पंजाबी नहीं बोलनी, लेकिन मेरे ख्याल से पंजाबी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, पंजाबी जी रिच जबान है जी जी बिल्कुल, मैं बोल रहा मैं पठान माशाल्लाह पठान होते तुसी बोल रहे हो तो चंगी गल है, देखो जी गल है कि जिन्नी अमीरता पंजाबी जुबान से बिल्कुल किसी होर जुबान से नहीं है, इसकी मिसाल इस तरह ही है
कि तुसी अगर बाकी जुबाना नूं जिस तरह बाकी जुबाना भी अपनी अपनी जगह से अहमियत रखदियां ने लेकिन अगर इतनी अहमियत होती तो कड़ी दी अजकल कोई उर्दू कर लेंदा कड़ी दी कोई अंग्रेजी कर लेंदा कर लेंदा नहीं। अच्छा मैं फिर एंड पे आपसे ही क्वेश्चन करूंगा कि बीइंग अ प्रोड्यूसर बीइंग अ पाकिस्तानी बीइंग अ पंजाबी रेडियो पाकिस्तान पंजाबी लैंग्वेज को जो है जो एक उसका एक मकाम है ऑलरेडी है तो उसके लिए कुछ कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं ये समझता हूँ कि आप देखें रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर मेरे पास इस वक्त जो है वो प्रोग्राम यहाँ पे 60% 60% रीजनल लैंग्वेज में ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ये जबरदस्त है। ठीक। अच्छा ये एक रवायत जिंदा रखी हुई रेडियो पाकिस्तान ने। ठीक हो गया। मेरे पास रोजाना की बुनियाद पे 2 लाइव प्रोग्राम है दिन 12:05 से लेके 1 बजे तक लाहौर है पंजाबी में होता है और शाम को 7:05 से लेके 8 बजे तक मारूफ मशहूर प्रोग्राम सोनी धरती होता है जी बिल्कुल और ये जी 1937 से शुरू है और अब तक जारी है। मैं वही कहना मैं भी बचपन से सुनता जी और लिविंग लेजेंड इस वक्त भी खालिद अब्बासदार साहब मौजूद हैं जो 55th ईयर उनका अभी भी चल रहा है और वो प्रोग्राम अभी भी कर रहे हैं। ठीक। इस तरह बाकी साथी भी हैं तो रीजनल लैंग्वेज के हवाले से और ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर का ये पंजाबी के लिए है फैसलाबाद के लिए पंजाबी है मुल्तान के लिए सराकी है कोयटा के लिए बरहवी है और आपको सुन के ये बात भी खुशी होगी कि इस वक्त 26 जुबानों में रेडियो पाकिस्तान की जो ब्रॉडकास्टिंग वो होती है वो होती है। नवीद हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातें में बहुत मजा आ रहा है नाज़रीन लेकिन हम आपको पता है कि यूट्यूब चैनल के हवाले से हमारे पास इतना टाइम नहीं होता लोग कुछ सुनते नहीं है अच्छी बातें सुनने का तो जाते जाते जो है आप हमारे व्यूवर्स से क्या कहेंगे। मैं आपके व्यूअर से यही कहूंगा कि पहली बात तो ये कि सलमान खान के चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें ये बड़ा मालूमती चैनल है। दूसरे नंबर पर ये है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो बिल्कुल ये बात सही अपने बच्चों को फ्री हैंड दें और उन पर नजर रख के उनको काम करने दें वो आपको रिजल्ट जरूर देंगे और रेडियो पाकिस्तान इस बात का मुतकाजी है कि आप लोग अपने कौमी इदारों से मोहब्बत करें और इसका साथ दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।